हे गाइज नमस्कार दोस्तों, जैसा कि जानते हैं कि गूगल पे मनी ट्रांजैक्शन को लेकर बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है और इसे आप सेफली और सेफ्टी के साथ जो है कि मनी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो आज जो है कि दोस्तों बहुत ही गुड न्यूज आया है, यानी लेटेस्ट अपडेट इसमें आ चुका है गूगल पे एप्लीकेशन में, जिसमें आप जो है कि अपना जो कार्ड है, जो क्रेडिट कार्ड है या डेबिट कार्ड है, उसको आप इसमें ऐड कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप प्ले स्टोर पर जाइएगा। प्ले स्टोर पर जाने के बाद गाइज इसको आपको क्या करना है कि अपडेट कर लेना होगा अपने जो है कि यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कार्ड वाला ऑप्शन आ गया है, ऐड क्रेडिट और डेबिट कार्ड का ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। लेकिन ये कहाँ पर मिलेगा मैं इसको आपको दिखा देता हूँ गाइज। सो गाइज सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना जो है कि गूगल पे एप्लीकेशन को आपको अपडेट करना होगा। अपडेट करके इसे आप जो है कि ओपन कर लेना है। ओपन कर लेंगे गाइज तो यहाँ पे देखेंगे आप इस तरह से स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे ट्रांजैक्शन को लेके बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, किसी से भी आप यहाँ से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। और उसके नीचे आता है व्यू पेमेंट मेथड का, नहीं तो आपको नीचे ही दिखाई देगा होम और पेमेंट और पासेस का ऑप्शन। यहाँ पर देख सकते हैं तीन ऑप्शन आपको नीचे ही दिखाता है। तो आप व्यू पेमेंट मेथड पे आप क्लिक कर सकते हैं या डायरेक्ट आप यहाँ सेंटर वाले पेमेंट वाले मेथड पे पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। लेकिन बता दूं गाइज ये अभी कुछ लोगों को ही मिला हुआ है, बाकी को धीरे धीरे मिल जाएगा, सबको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप व्यू मेथड पे आप चाहें तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। जब आप यहाँ पे व्यू मेथड पे क्लिक करेंगे गाइज तो यहाँ पे देखेंगे आपको यहाँ पे प्लस वाला आइकन नज़र आता है। यहाँ पे देख सकते हैं पेमेंट मेथड का एक ऑप्शन नज़र आता है, आपको क्या करना होगा कि इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना होगा। जब आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे दोस्तों तो एक जो है कि सर्च करेगा और फिर एक दूसरा ऑप्शन यहाँ पे खुल के आ जाता है। तो देख सकते हैं आपके सामने ही यहाँ पे कुछ इस तरह से लोडिंग ले रहा है। तो लोडिंग लेने के बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे जैसे मैंने पहले भी दिखा दिया कि एड क्रेडिट और डेबिट कार्ड का ऑप्शन आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर बता रहे कार्ड का आप नंबर डालिए और यहाँ पर आप इसे सेव कर दीजिए। तो आप यहाँ कार्ड का नंबर डाल के आप इसे आराम से जो है कि सेव कर सकते हैं दोस्तों। उससे क्या होगा कि आप जो भी आप मनी ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं या आपको बैंक से लिंक करना होगा उस पर आपको एक OTP जाएगा। यहाँ पर जब आप एड क्रेडिट कार्ड पे आप करके यहाँ पे सेव कर देंगे तो वहाँ पे आपके जो नंबर है उस पर एक OTP जाएगा जो यहाँ पे डालना होगा। तो इस तरह से इसका यूज और इस्तेमाल कर पाएंगे गाइज। सो गाइज बहुत सिंपल है, इसमें कुछ है नहीं। आप भी अपने मोबाइल को अपने जो अगर गूगल पे यूज करते हैं तो अपडेट कर लीजिए, उसके बाद यहाँ पे कार्ड नंबर डाल के आप सेव कर सकते हैं और यहीं से आप जो है कि मनी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल है। अगर ये जानकारी पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि मैं हमेशा न्यू अपडेट लाता रहता हूँ अपने चैनल पर। तो आपको बहुत कुछ आसानी हो जाएगी, जल्दी वीडियो मिलेगी और आप उससे बहुत कुछ सीख पाएंगे दोस्तों। तो वीडियो को साथ साथ में लाइक और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।